हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ मैंगो पिकल। तो मैंगो पिकल के लिए चाहिए मैंगोस, रा मैंगोस। मैंने 10 मैंगोस मीडियम साइज के लिए हैं, और रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट, और मैंने रॉ मैंगोस को एक आधा रॉ मैंगो लेकर मैंने उसको पेस्ट बना के रख लिया है। ये डालने से आपकी पिकल बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसमें। तो ये है फेनुग्रीक पाउडर, और ये है मस्टर्ड सीड्स पाउडर मैंगो पिकल के लिए। ये सब आइटम्स लगते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ मैंगो पिकल, तो मुझे इतने सारे चीज़ें लगने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिएगा, अब मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने सभी कट किए हुए मैंगोस को डाल दिया, और रेड चिल्ली पाउडर और मैंगो का पेस्ट और फेनुग्रीक सीड्स पाउडर, मस्टर्ड सीड्स पाउडर, सॉल्ट और गार्लिक पेस्ट, मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो मैं बड़े से बर्तन में सब को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मैं अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए। देखिए, सभी मसालों को मैंने मैंगोस में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। देखिए, ये बहुत अच्छी तरह मैं इसके लिए, अब मैंने आपको एक बात बताना भूल गई थी, मैंगोस को आप काटते वक्त अच्छी तरह उन्हें एक कपड़ा लेके, उनके ऊपर का पानी अच्छी तरह पोंछ के, आप ये बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए, इसके इससे आपकी पिकल ख़राब हो सकती है। अच्छी तरह एक क्लॉथ लेके सब मैंगोस को आप अच्छी तरह ड्राई करके, उसके बाद अच्छी तरह काट के आप इस पिकल को डालना है। अगर आपके मैंगोस के ऊपर कोई मॉइस्चर रहेगा तो आपकी पिकल ख़राब हो जाएगी। ये इस तरह डालने से 1 ईयर के लिए भी स्टोर रख सकते हैं हम इसे। अच्छी तरह होगी ये, कुछ भी ख़राब नहीं होगी। तो मैं अब इसमें ऑयल डालती हूँ। ये देखिएगा, मैं पिकल के लिए ऑयल गरम कर रही हूँ। ये ऑयल अच्छी तरह हीट कर लेना चाहिए। इसमें मैंने मस्टर्ड और क्यूमिन सीड्स डाल दिया है। अब ये अच्छी तरह पकने के बाद हम इसे फिर कूल करके हम पिकल में ऐड करेंगे। ये देखिए, ऑयल अच्छी तरह पक रहा है। ये देखिएगा, मैंने एक लेमन भी ले लिया है। अब मैं इस लेमन जूस को पिकल में स्पीच कर दूंगी। ये देखिएगा, मैंने पिकल में ऑयल को ठंडा करके ऑयल को भी मिक्स कर लिया है। तो ये देखिएगा, मैंगो पिकल रेडी हो गई है। इसे हम एक जार, अच्छे से जार में या जाड़ी में डाल कर रखेंगे तो ये 1 ईयर तक भी अच्छी तरह होगी, तो ख़राब नहीं होगी। 1 ईयर तक भी इसे हम स्टोर कर सकते हैं। ये देखिएगा, यम्मी यम्मी मैंगो पिकल रेडी हो गई है। तो आप भी पकाइए, अपने घर में ट्राई कीजिए, और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, नए नए दोस्त,
वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी पुराने दोस्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको मैं थैंक्स कहती हूँ मेरे तहे दिल से। तो बस इतना ही आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।